22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसका हर हिंदू बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और रामलला की जो मंदिर है उसका उद्घाटन है उस दिन। लेकिन आपको बता दें, मौजूद है पटना के इस्कॉन मंदिर में, और आप ये तस्वीरें देखें, यहाँ पे जो कलश है ये अयोध्या जाएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा निर्मिति पूजा अध्यक्ष कलश विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार से। ये सारे कलश जाएंगे अयोध्या में, हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे सीधे। कितना ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि एक समय था जब राम मंदिर नहीं था, अब एक समय है जब राम मंदिर आ चुका है और उद्घाटन होने वाला है। वास्तव में यह तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि 500 वर्षों से भारत के भाल पर लगे हुए कलंक के टीके इस राष्ट्र के पुरुषार्थ का प्रतीक है, उसके कारण से वो मिटा और भव्य और दिव्य मंदिर बन करके 22 जनवरी को उसमें भगवान प्रतिष्ठापित होंगे। इस संकल्प के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था, अब पूरे देश के लोगों ने इस संकल्प को स्वीकारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और अब ये भव्य मंदिर बन के तैयार है। तो सबका संकल्प था इस मंदिर के निर्माण में, तो पूरे संकल्प की सिद्धि सबों की हो जाए, इसलिए अयोध्या से अभिषिक्त अक्षत लेकर के पूरे देश के 45 केंद्रों पर गया है। और जैसे आज हम लोग बैठे हैं, वैसे 45 केंद्रों पर बैठक करके जो जिला स्तर के लोग हैं उनको बुलाया गया है, उन सबों को वो कलश दिया जाएगा, वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, ऐसे ही बैठक करेंगे। और ये नेटवर्क अभी से 1 जनवरी तक पूरे देश में खड़ा हो जाएगा, और 1 जनवरी को से लेकर 15 जनवरी तक जैसे राजनीतिक लोग बूथ वाइज परिवार परिवार में जाकर के वोटर सह संपर्क करते हैं, वैसा ही एक एक परिवार में जाके संपर्क करेंगे, उनको स्मरण दिलाएंगे कि आपने भी रामशिला पूजन किया था, आपके ही संकल्पित शिला से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, और आपके संकल्प की सिद्धि का समय भी अब आ गया है। 22 जनवरी को सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते, इसलिए करोड़ों लोग अयोध्या फील करें अपने पास। इसलिए जहाँ जहाँ देश के अंदर देव स्थान है, जहाँ जहाँ मंदिर है किसी भी देव का, उन मंदिरों में वहाँ के आसपास के भक्त एकत्रित होंगे, और एकत्रित हो करके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे जिस भी देव का मंदिर है उनका। और जब लाइव प्रसारण 11 बजे से 2:30 बजे तक होगा तो उनका लिंक पहले भेज दिया जाएगा, सब लोग वहाँ व्यवस्था करेंगे, कोई पर्दा का बाकी का, और वहाँ पर मैं सबों को बुलाकर वो लाइव प्रसारण अयोध्या के कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। फिर वहाँ प्रसाद का वितरण होगा, शाम के समय सभी लोग अपने अपने घर में दीपावली मनाएंगे। 14 साल के बाद राम जब अयोध्या आए थे तो उनके याद में आज भी हम दीपावली मनाते हैं। 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे, इस उपलक्ष्य में हिंदू समाज 100 वर्षों में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को अपने अपने घर में मनाएंगे। जिस तरीके से सनातन कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है समाज में, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है रामलला का मंदिर जब उद्घाटन होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान कितना है? जैसा कि विदित है कि उतने संघर्ष के बाद हमारा जो रामराज की परिकल्पना है वो अब साकार होने वाली है। हम लोग रामराज की बातें करते थे, लेकिन आज राम मंदिर में भगवान राम हमारे पधार रहे हैं, तो ये रामराज की जो परिकल्पना है वो यथार्थ में आ रही है, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारा योगदान है। उनके योगदान को हम लोग कभी नहीं, ऐसा लगता है कि अश्चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी उनके अंदर घुस गए हैं और उनके माध्यम से ये सनातन के कार्य को करवा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। कितने वर्षों से इंतज़ार था इस दिन का, और अब ये इंतज़ार ख़त्म होने को आया है? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सनातनी समाज को
500 वर्षों से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। संपूर्ण भारतवर्ष, सभी हिंदू समाज आह्लादित है, आनंद के अतिरेक में डूबा हुआ है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जिसने शिला पूजन में भाग लिया, जिसने अपने हाथों से भगवान के जन्मभूमि पर स्थापित उस बाबरी कलंक को मिटाया, ऐसे कार्यकर्ता तो ये उनके जीवन में लग रहा है कि जैसे भाग्य का सूर्योदय हो रहा। हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि हमारे जीते जी हमारी आँखों के सामने फिर से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उसी स्थान पर होगी। हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, हमारे अनेक संत वो इस दृश्य को नहीं देख सके। आज हम वो भाग्यशाली हैं कि वो दृश्य देख पाएंगे। और उस दिन हम अयोध्या को भारत के सभी ग्राम नगर के मंदिर प्रांगण में उतारेंगे। अयोध्या, पूरा भारतवर्ष विस्तारित अयोध्या बनेगा और भारत के सभी मंदिर उस दिन राम मंदिर होंगे। और भारत के सभी हिंदू नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म धारा के हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों या सनातन धर्म की किसी भी परंपरा के हों, सबके सब उसमें मानो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के यजमान बनेंगे अपने अपने स्थान पर रहते हुए। देखिए, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसका हर हिंदू इंतज़ार कर रहा है, और अब ये इंतज़ार धीरे धीरे कमता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा उस दिन की तस्वीरें क्या कुछ निकल के सामने आती है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IBTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।